केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों के निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार को मुख्यधारा के मीडिया में प्रसारित सभी भ्रामक खबरों और असत्यापित दावों से निपटने के लिए एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करनी पड़ी। Twisting of facts can wreak havoc and create disharmony locally and globally. With the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the minds of communicators. I'm happy to share that in the background of fake claims circulating in media during the COVID crisis, we established a fact check unit in the Press Information Bureau of Government of India to counter unverified claims and present truth to the people. प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के आयोजन से बहुमूल्य परिणाम की आशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एबीयू महासभा की इस वर्ष की विषय वस्तु लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से कोविड जैसे संकट का सामना करने के बाद बहुत उपयुक्त है।